हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम रोमन आर्च एंड वॉल्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रोमन आर्च की कंस्ट्रक्शन में बहुत ही एडवांस थे और इन्होंने बहुत बहुत मतलब और इन्होंने बहुत सारे वॉल्ट्स भी डिज़ाइन किए हैं, जिसका आज भी हम अपने आर्किटेक्चर्स में उपयोग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रोमन आर्च और वॉल्ट्स को समझने से पहले जो जो हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल था, ट्रिबेटेड स्टाइल्स, जिसको हम पोस्ट एंड लिंटेल भी बोलते हैं, इसका ड्रॉब्रेक को समझते हैं। जैसे यहाँ पास हमें दो पोस्ट दिया गया है, सपोज दी ये कॉलम है और यहाँ पास एक बीम है। जब यहाँ लोड पड़ता है तो ये इस तरीके से ब्रेक हो जाता है। जब हम इसी को एक आर्च के स्ट्रक्चर में जब हम देखते हैं तो ये नॉर्मली ये इसमें जो लोड आता है, ये जो सेंटर में लोड आ रहा था, ब्रेक हो रहा था, वो साइड में 45 डिग्री के एंगल में शिफ्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पास क्या है कि ये जो कॉलम है और या पोस्ट है, इसमें डायरेक्टली लोड आ जाता है, जिससे हम इसको क्या बोलते हैं, एक बड़ी स्पांस के लिए यूज कर सकते हैं। और जब बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पास 1, 2, 3 और 4 आर्चेस यूज किए हैं, तो ये हमें इस तरीके से हम वॉल्ट्स भी बना लेते हैं। तो हम आगे की इस स्लाइड्स में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्ट्स भी देखेंगे। तो चलते हैं कि आर्च एंड वॉल्ट्स। द रोमन फर्स्ट एडॉप्टेड द आर्च फ्रॉम द ग्रीक्स एंड इम्प्लीमेंटेड इट इन देयर ओन बिल्डिंग्स। The arc is very strong shape, as no single spot hold all the weights and is still used in architectures today. Roman used arches to support the things they built. They built victory arches, buildings and like aqueduct. So these are the achievements of Roman architectures by arch and vaults. So, first of all, let's study about barrel or tunnel vaults. This is an example of barrel vaults. A vault having semicircular cross section, है ना? Window can be placed at any point. These vaults require buttressings to counteract and downward thrust of the weight like this. यहाँ पास इसमें जो ऊपर से जो लोड आएगा, इसको डाउनवर्ड थ्रस्ट ऐसे करके पोस्ट में शिफ्ट कर देते हैं या वॉल में शिफ्ट कर, जिससे यहाँ पास क्या होता है, यहाँ पास कोई भी एक सिंगल पॉइंट नहीं होता है लोड के लिए, तो ये आसानी से टिकाऊ रहता है, ज्यादा मजबूत होता है एक बीम की अपेक्षा, है ना। तो इसी सीरीज में हम दूसरे टाइप्स का वॉल्ट्स पढ़ेंगे। इसको ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम ग्रोइन वॉल्ट्स बोलेंगे बोलते हैं। कंपाउंड वॉल्स फ्रेम्ड बाय द परपेंडिकुलर इंटरसेक्शंस ऑफ टू वॉल्स फ्रेमिंग आर्च डायगोनल अराइज़ेस कॉल्ड ग्रोइंस। दीज आर द आर्चेस शेप्स, दीज आर द टू ग्रोइंस आर्चेस। जब हम इसको इस तरीके से मिक्स करते हैं इस, तो यहाँ पास क्या है, ये स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम ग्रोइन वॉल्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लेस बट्रेसिंग। इसका जो एग्जांपल हम देखेंगे कि बेसिलिका नोवा में है, है ना। सो लेट्स कम टू द मल्टीपल ग्रोइन वॉल्स। अ सीरीज ऑफ ग्रोइन वॉल्स कैन हैव ओपन लेटरल आर्चेस दैट फॉर्म, है ना, सीरीज स्टोरीज विंडो दैट allow light into the interior of the churches. These concrete window were fireproof. Basically, this is an advanced series of barrel or tunnel vaults. So this is all about the Roman arches and vault technology. Hope a happy learning to you. Thank you.